ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर दुमका से है, जहां प्रखंड के गंदो मंडल के परसी मिला में केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे ने चौपाल का आयोजन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष गणपति पाल की ओर से एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे ने जनसभा को संबोधित किया और दुमका लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में वोट मांगा। साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने बताया कि देश का विकास मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस के युवराज को पप्पू नाम से संबोधित किया और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हेमू बुलाया। कहा कि झारखंड खनिज संपदा का भरमार है, इसके बावजूद आज झारखंड का विकास नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं, साथ ही इंडी गठबंधन के मंत्री आलमगीर आलम भी जेल में हैं। आप लोगों का विकास नहीं करके ये लोग अपना जेब भर रहे थे, इसलिए आप सभी भाजपा को वोट देकर सीता सोरेन को जिताएं और मोदी जी का हाथ और ज्यादा मजबूत करें, ताकि इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्यवाही की जा सके। मोदी जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके ला दिया। और आने वाले दिनों में हमारी योजना है, इस देश के अंदर कोई गरीब नहीं बचेगा। 2047 का भारत आने वाले जब 100 साल आजादी का होगा, बिरसा मुंडा ने, तिलका मांझी ने इस देश को आजाद करा, अंग्रेजों को मार भगाया, और आज उसी अंग्रेज के दत्तक पुत्र आज भी छिपे हुए हैं। आज अंग्रेजों के दत्तक पुत्र ये कांग्रेस के बेन, कांग्रेस के लोग युवराज, ये यमराज बन गए हैं। ये युवराज नहीं, ये यमराज बन गए। इसलिए ऐसे ऐसे युवराजों को बिहार में एक, वहाँ दिल्ली में एक युवराज पप्पू है, झारखंड में ये पप्पू, झारखंड में हेमू, अब बिहार में गप्पू, और उत्तर प्रदेश में सप्पू, और बंगाल में ममता का भतीजा लप्पू। और आप चले जाओ दिल्ली में, अभी घोटाला से केजरीवाल जो घोटाला, वो डप्पू, ये पप्पू गप्पू सप्पू लप्पू डप्पू, इसकी सरकार बनेगी एक एक साल की, या 5 साल के लिए अस्थिर सरकार बनेगी। गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी, बताइए किसकी सरकार चाहते हो? गरीबों के मसीहा 5 साल की सरकार बनने जा रही। हमारा सरकार अब 57 सीट पर लड़ाई है। हम तो अब की बार 400 पार। बोलो भैया बहन, अब की बार 400 पार। फिर एक बार। कल्पना सोरेन दौरा कर रही है और कह रही है क्या, मोदी जितना भी जोर लगाओ लेकिन जीतेगा झामुमू, इस पर से क्या कहना है सर? कोई झामू मामू नहीं, जीतेगा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जिसने देश का विकास किया है, और सीता ही राम होगा, बिना सीता का राम कहां से होगा। दुमका से सीनियर संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।